हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हमने हमारी होंडा लिवो का ओनरशिप रिव्यू किया था। आज मैं अपनी एक और बाइक है, हमारे दोस्त की है, जो NS125 है। वो भी काफ़ी टाइम से मैं राइड कर रहा हूँ उसने जब से लिए, और उसका भी थोड़ा बहुत फीचर वगैरह आपको बताता हूँ कि आपको लेनी चाहिए और किस किस कारण से आपको ये बाइक लेनी चाहिए, कितना माइलेज देती है, और उसके बारे में ओवरव्यू। सारी जो मेन बात है उसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, जो प्रोफेशनल बाइकर्स वगैरह की तरह उसके फीचर्स नहीं बताया, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको इस वीडियो के साथ शेयर किए। तो वीडियो पर बने रहिए, देखते हैं आगे NS किस कलर की और कैसी दिख रही है। सो गाइस, हमारे सामने खड़ी है NS125 रेड कलर के अंदर, जो कि ओवरऑल इस बाइक का लुक के बारे में बात करें तो ये बाइक दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं अभी, इसमें जो साइड मिरर वगैरह आते हैं और फ्लैशर लाइट्स लगी हुई है इसमें ग्रीन कलर की, और जो ब्रेक लाइट्स है जो मेरी लिवो में इंस्टॉल करवा रखी है मैंने, सेम वही लाइट है इसके अंदर भी इंस्टॉल करी गई है। और ओवरऑल इस बाइक को देखें तो ये हूबहू NS200 की तरह ही लगती है, इसमें कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, खाली पावर का और पीछे का जो टायर है इसमें वो थोड़ा छोटा सेक्शन का दिया गया है, शायद 110 mm का टायर है मेरे हिसाब से। और वैसे तो बाइक देखने में बिल्कुल नहीं कोई बता सकता है कि ये 125 है, खाली बैचिंग और स्टिकर वगैरह देखे तो बता सकता है। इस बाइक के एवरेज के बारे में बात करें तो अगर माइलेज की देखें हम तो ये 1 लीटर के अंदर हमको ये बाइक करीबन 50 से 55 का माइलेज आराम से दे देती है, अगर इकोनॉमी पे हम इस बाइक को यूज़ करते हैं। सो देख सकते हैं पीछे वाला उसका टायर, अभी ये बाइक चली है मेरे हिसाब से 8,360 किलोमीटर ये बाइक अभी तक चल चुकी है। इसके अंदर इसका टायर शायद ख़त्म ही होने आ गया है, ज़्यादा चलने वाला नहीं है, 1-2 महीने चलेगा, मतलब 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक चलेगा। इस बाइक को अगर आप सही से चलाते हैं विदाउट अगर बर्नआउट वगैरह नहीं मारते तो ये बाइक का टायर आपको करीबन 20 से 25,000 किलोमीटर तक आपको चेंज करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस बाइक के अंदर आपको 125cc का इंजन मिलता है एयर कूल्ड, इसमें लिक्विड कूल आपको नहीं मिलता है। और देख सकते हैं आप इसके अंदर VIP नंबर लिया हुआ है मेरे दोस्त ने, 1700 नंबर शायद कितना पे किया मुझे अभी तक ध्यान नहीं है, और पूरी बाइक को अभी वॉश भी नहीं किया उसने, और देख सकते हैं आप बर्नआउट वगैरह भी मारा, इसलिए इसका टायर का भी हालत बिल्कुल सही नहीं है। और मतलब देखें तो ये बाइक चलने में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ लगती है चलाने में, काफ़ी रिफाइंड है। NS200 देखेंगे, अगर आप 160 देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन हमको देखने को मिलती है, जो कि BS6 के अंदर सॉल्व कर दिया बजाज ने, लेकिन थोड़ी बहुत वाइब्रेशन उसमें देखने को मिल ही जाती है। लेकिन ये बाइक काफ़ी रिफाइंड है क्योंकि इसका जो वेट है, कर वेट है, वो NS200 के जैसा है, और पावर थोड़ी कम दी गई, इसलिए से बाइक हाईवे पे काफ़ी स्टेबल चलती है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और अगर आप डेली मतलब कंप्यूटर के लिए कोई अच्छी सी बाइक देख रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है NS125। सो यही था इस बाइक के कुछ ऐसे फीचर्स जो नॉर्मली बताने होते हैं, बाकी रिव्यूज़ वगैरह आपको यूट्यूब पर देखने को बहुत मिल जाएंगे। ओवरऑल इस बाइक को मैंने भी बहुत यूज़ किया, इसलिए मैं आपको खाली एक ओनरशिप रिव्यू के तरह बता सकता हूँ कि ये बाइक कैसी है चलने में। इस बाइक में ऐसी कोई खामी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके अंदर ABS की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिंगल चैनल ABS मिल जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। इसकी जो आगे की हेडलाइट है उसकी विजिबिलिटी इसकी भी इतनी कोई खास नहीं है, हाईवे पे अगर आप लेके जाते हैं नॉर्मल विलेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाईवे पे आपको कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा, इसलिए आप मेक श्योर कि आप आगे फॉग लैंप वगैरह लगा रखें अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह पर जाते हैं। इस बाइक की मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर ले तो ये काफ़ी चीपेस्ट मॉडिफिकेशंस होती है जो आपको 1000 रुपये के अंदर आराम से मिल जाएंगी। ये साइड मिरर लगा रखे हैं, पहले यहाँ पर मिरर होता था इसका, वो मिरर निकाल के साइड मिरर लगा रहा है, जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी इन्हेंस हो चुका है। और इसके अगर इंडिकेटर्स के बारे में बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें फ्लैशर डले हुए हैं, ये कुछ ग्रीन कलर टाइप का डलवा रखा है इसमें। और नीचे की साइड आपको दिखाऊं तो ये ग्रीन कलर की एक और लाइट है जो ब्रेक लाइट्स होती है, रात में इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है, मेक श्योर आप डलवा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन होती है। लेकिन इस पर आप देखें कि कोई वायर कट वगैरह ना हो जिससे बाइक की वायरिंग में दिक्कत आए, नहीं तो पूरी बाइक की वायरिंग एक बार बिगड़ गई तो फिर उसको पहले जैसा रिन्यू नहीं किया जा सकता। इस बाइक के इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो बजाज हमको 5 साल का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, और इस बाइक की प्राइस के बारे में बात करें तो शायद 1.1 लाख या 1.2 लाख के अंदर ये बाइक आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगी राजस्थान डूंगरपुर सागवाड़ा के अंदर, और राजस्थान की ऑल ओवर यही प्राइस से 1000-2000 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको
किक स्टार्ट भी मिलता है। अगर बाई चांस सेल्फ वगैरह काम नहीं करे तो आप किक स्टार्ट भी इसमें दिया गया है। इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, इसको फुल एग्जॉस्ट के साथ नहीं दिया गया है, जिससे इसका साउंड काफ़ी मिलता जुलता है ड्यूक 125 से। और इंजन तो यही है KTM का, और इसमें क्या है थोड़ा बहुत लिमिटर वगैरह नहीं आता है, जिस वजह से इसकी टॉप स्पीड जो आती है काफ़ी अच्छी निकल के आती है। इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है आपको। सो यही थी NS125 की कोई ऐसी कोई फीचर बता दिए मैंने आपको, जो कि हर यूट्यूबर नहीं बता पाता है, उसके खाली रिव्यू बताता है। और इसमें मेरे को कोई मतलब शाउट आउट या प्रमोशन के लिए मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला, इस वजह से इसका जो जेन्युइन रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये NS125 परचेस करनी हो तो ये वीडियो देखकर उसको आसानी हो जाए लेने में और ये कंसीडर कर पाए।